तो हेलो दोस्तों, नायक टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे पास है सैमसंग का J400F जो मॉडल है, यानी कि J4 जो मॉडल है। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि इसको फ्लासिंग कैसे किया जाता है, फ्लासिंग आप कैसे करेंगे, और फ्लासिंग करने के बाद उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए अब शुरू किया जाए। सब्सक्राइब कीजिए नायक टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास है जो सैमसंग का J4 मॉडल। मैं इसको ऑन करने की कोशिश करता हूं, ये आप देख सकते हैं। तो ये फ़िलहाल ऑन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं इसको, ये फ़िलहाल देख सकते हैं ऑन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं इसका जो बैटरी है, बैटरी को खोल के फिर से एक बार ई इंसर्ट करके देखता हूं यह ऑन होता है या नहीं होता है। तो मैंने ये पावर की को प्रेस किया, अभी आप देख सकते हैं ये ऑन हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिकवरी मोड में जा रहा है, फेल टू ओपन रिकवरी कॉज ऐसा कुछ लिख के आ रहा है, फिर बंद हो रहा है और फिर लिख के आ रहा है, तो ऐसा ही हो रहा है और फ़ोन बूट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ये जो फ़ोन है इसको डाउनलोड मोड में लेके जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसको फ्लैशिंग करना है हम लोगों को। तो ये जो वॉल्यूम डाउन का बटन है और जो होम स्क्रीन का बटन है, ये दोनों को एक साथ दबा के हम लोगों को क्या करना है, ये दोनों को एक साथ दबा के जो हमारा USB केबल है जो कि हमारा PC के साथ कनेक्टेड है उसको यहाँ पर लगा देना है। तो वो लगाने के बाद आपको ये आप देख सकते हैं ये इस तरीके का कुछ स्क्रीन आएगा, तो आपको सिंपली वॉल्यूम अप वाला जो स्विच है उसको दबा देना है एक बार। तो ये आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग दिखा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा सॉफ्टवेयर का वर्जन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे से दो नंबर जो लाइन है उसमें, और ये देख सकते हैं B6 लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि बाइनरी 6 दिखा रहा है। तो मेनली आपको एक चीज़ देखना है, आपका सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर का बाइनरी वर्जन क्या है। तो मेरे लिए ये बाइनरी वर्जन जो है, बाइनरी वर्जन है 6। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि ये जो हमारा बाइनरी वर्सन है वो सेम वर्सन होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्या आएगा, आपको सेम बाइनरी वर्सन अगर नहीं आएगा तो यहाँ पर आपको दिक्कत आएगा कि जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर में एरर आ सकता है। तो हम लोगों को जो बाइनरी वर्सन 6 है वही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है 6 वाला। मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो बात बताया आपको, ये FXXS6 लिखा हुआ है ना, तो हमारा जो बाइनरी वर्सन वहाँ पर 6 था। तो ये आप देख सकते हैं मेरा जो फार्मर है यानी कि फ्लैश फाइल है उसका भी वर्सन, बाइनरी वर्सन जो है वो 6 है। ये FXX जो है उसके बाद में देखिए 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाइनरी वर्सन जो है ये फार्मर का 6 है और मेरा फ़ोन का बाइनरी वर्सन भी 6 है। तो ये वाला फाइल हमको डाउनलोड करके लेना है। मैं यहाँ पर आपको हमारा जो डिवाइस मैनेजर है, डिवाइस मैनेजर में लेके चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं यह क्या करना है आपको, ये काइज जो है काइज को इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि अगर आप काइज को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको ड्राइवर नहीं मिलेगा। और भी एक काम कर सकते हैं, नॉर्मल सैमसंग का जो USB ड्राइवर है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ डिवाइस मैनेजर के जाने के बाद, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए सैमसंग मोबाइल USB CDC कंपोजिट डिवाइस लिखा हुआ आ गया, यानी कि हमारा जो फ़ोन डाउनलोड मोड में है उसका ड्राइवर यह दिखा रहा है। तो अगर हमको क्या करना है, अभी जो हमारा ओडिन सॉफ्टवेयर है, ओडिन सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है सब कुछ, ये भी एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ओडिन सॉफ्टवेयर जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपको ये ओपन करना है, इसको ओके कर देना है। ये देखिए यहाँ पर कॉम्पोर्ट 6 भी लिखा हुआ आ गया, ये आप देख सकते हैं, यानी कि हमारा फ़ोन अभी ड्राइवर ले चुका है। तो यहाँ पर बूट लोडर फाइल आपको सिलेक्ट करना है, BL फाइल सिलेक्ट करना है, हमारा जो फार्मवेयर है फार्मवेयर से हम BL फाइल को सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि हमारा ये बाइनरी 6 वाला जो फाइल है उसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। ये देखिए ये BL वाला फाइल जो है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अभी आपको क्या करना है, AP वाला जो फाइल है उसको भी सिलेक्ट करना है, सेम प्रोसीड्योर है, एक एक फाइल को अच्छी तरीके से सिलेक्ट करना है। हम चार फाइल को सिलेक्ट करेंगे, BL, AP, CP और CSC। तो AP फाइल जो है ये बड़ा वाला फाइल है, इसमें लोडिंग होने का थोड़ा सा वक्त लगता है, तो उतना वक्त तक आपको वेट करना है।
तो अभी सीपी फाइल जो है, सीपी फाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सीपी फाइल को मैंने सिलेक्ट कर दिया, और एकदम लास्ट वाला जो फाइल है सीएससी फाइल, इसको भी सिलेक्ट करना है। ये होम वाला जो सीएससी है इसको सिलेक्ट करना है, दूसरा वाला सीएससी को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो होम वाला जो सीएससी है उसको सिलेक्ट, हमने चारों फाइल को सिलेक्ट कर लिया है। अभी इसमें क्या करना है, स्टार्ट कर देना है, और ऑप्शन पर आप एक बार चेक कर लेना ये दोनों यहाँ पर टिक कंडीशन पर है या नहीं है। अभी स्टार्ट कर देता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का एक सिंबल आ रहा है, और ऊपर जो जो फाइल अभी डाउनलोड हो रहा है उसका भी सिंबल आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, ये फ्लैशिंग कंप्लीट होने तक हम थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि ये फ्लैशिंग कंप्लीट होने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है, बड़ा फाइल है तो फाइल वाइल डाउनलोड होगा तो उसमें तो टाइम लगेगा ही। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पास लिखा हुआ आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं अभी फ़ोन का जो स्क्रीन है उस पर आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है वो ऑन हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इरेजिंग भी दिखा रहा है, ये पूरा फॉर्मेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो फ़ोन है वो ऑन हो रहा है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं सैमसंग लिखा हुआ आ गया। ये फिर से बंद हो गया है और फिर से चालू हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए फिर से चालू हो रहा है, यानी कि ब्लिंक कर रहा है। तो दोस्तों फिलहाल ये प्रॉब्लम आपका फोन में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिकवरी में जाना पड़ेगा। रिकवरी में जाने इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिकवरी में जाने की कोशिश करता हूँ। ये वॉल्यूम अप वाला जो बटन है और हमारा जो पावर बटन है उसके साथ होम बटन जो है, ये तीनों को एक साथ दबाना है, ठीक है। ये तीनों को एक साथ दबाना है और सैमसंग लिखा आने तक आपको पावर बटन जो है उसको छोड़ देना है, लेकिन ये दोनों बटन को प्रेस करना है। ये मेरा रिकवरी मोड आ गया, आप देख सकते हैं। तो रिकवरी मोड में जाने के बाद आपको क्या करना है, वाइप कैच पार्टीशन करना है। कैच पार्टीशन क्लियर करने के बाद, मैं यहाँ पर कैच पार्टीशन क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, वाइप डेटा और फैक्ट्री रीसेट ये जो है इसको करना है। और ये अगर आप करेंगे तो आपको 100% एफ आर पी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको रीसेट कर देंगे तो एफ आर पी करना आपको पड़ेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कस्टमर से आप उसका मेल आई डी पासवर्ड जो है वो मांग लीजिए, या फिर जो पैटर्न है वो मांग लीजिए। मैं यहाँ पर रिबूट कर देता हूँ फ़ोन को। ये रिबूट होने तक मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर कस्टमर का मेल आईडी पासवर्ड आपको मालूम नहीं है या पैटर्न लॉक वो क्या लगाया था वो आपको मालूम नहीं है, तो ये प्रोसेस करने के बाद भी आपका एक काम बच जाता है जिसको बोला जाता है एफ आर पी फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। तो उसके लिए आपको अलग से फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा,
तभी आपका फ़ोन पूरा वर्किंग कंडीशन पे आएगा, यानी कि नॉर्मल जो फ़ोन का कंडीशन होता है वो कंडीशन पे आएगा। अदरवाइज़ आपका जो फ़ोन है, आपका फ़ोन आप यूज़ नहीं कर पाओगे। फ़ोन तो ऑन हो जाएगा, पूरा परफेक्ट कंडीशन पे भी आ जाएगा, लेकिन आप वो जो एकदम स्टार्टिंग वाला स्क्रीन होता है वो स्टार्टिंग स्क्रीन पे ही रह जाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरा थोड़ा सा चार्जिंग का इशू है, यानी कि मेरा जो बैटरी है फ़ोन का, वो बैटरी डाउन हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर USB को प्लग इन कर देता हूँ। गलत मत समझिएगा, मैं और कुछ नहीं डाल रहा हूँ इसमें, तो सिर्फ चार्जिंग के लिए USB लगाया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसका जो स्क्रीन है वो आ चुका है। मैं यहाँ पर जो प्रोसेस है फॉलो करता हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं स्किप कर देता हूँ यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पुराना वाला जो ID पासवर्ड है वो मांग रहा है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक सिम कार्ड है, मैं क्या करूँगा, वो सिम कार्ड को लगाऊँगा। मेरे पास एक जियो का सिम है, मैं वो डाल के ही ये पूरा काम करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें नेट चाहिए हुआ। ये मैंने जियो का सिम लगा दिया यहाँ पर। और सिम लगाने के बाद मैं फ़ोन को फिर से ऑन करता हूँ। तो मैं फिर से सेटअप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सिम और बैक कवर लगा दिया है। तो अभी मैं यहाँ पर स्किप करता हूँ, ये फिर से आ गया है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। ये देखिए नेट ऑन हो गया, और स्किप वाला जो ऑप्शन है, स्किप वाला ऑप्शन भी आ गया है। आप चाहे तो वाईफाई कनेक्ट करके भी ये कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। ये मैंने बैक कर दिया, ओके कर दिया। फिर से एक बार स्किप करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ये और कुछ अपडेट वगैरह जो है वो लेने की कोशिश कर रहा है, अभी इंस्टॉलिंग अपडेट दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये पैटर्न मांग रहा है, तो मेरे पास मालूम है इसका पैटर्न क्या है। तो मैं यहाँ पर मेरा जो पैटर्न है पैटर्न डाल देता हूँ, लेकिन आपको अगर मालूम नहीं है तो आपको FRP ज़रूर करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो स्टेप है ये स्टेप यहीं पर ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो स्किप का ऑप्शन आया, आपको स्किप का ऑप्शन नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं पूरा जो प्रोसेस है प्रोसेस अभी फॉलो कर देता हूँ, और फॉलो करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास जो फ़ोन था वो फ़ोन का जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पूरा वर्किंग कंडीशन पे है अभी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने उसको फ्लैशिंग करने के बाद कैसे वो प्रॉब्लम को ठीक किया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर मैं इस तरीके का कुछ और वीडियो लाने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद।